तो जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था, आज हम अपने इस वीडियो में भारत के कुछ और सबसे भूतिया जगहों के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल के पहले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे और साथ ही अपने कुछ सुझाव भी कमेंट्स द्वारा हम तक पहुँचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम और आप मिलकर सफ़र शुरू करते हैं भारत के कुछ सबसे भूतिया जगहों की। कुलधारा गांव। यूं तो हमारे देश भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव का रहस्य काफ़ी रोमांचक और खौफनाक भी है। ये एक ऐसा गांव है जो कि पिछले 170 से भी ज़्यादा सालों से खाली पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि कुलधारा गाँव के लोग एक ही रात में इस गाँव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते शाप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव आज तक वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनके चूड़ियों और पायलों की आवाज़ें हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कहा जाता है कि ये गांव एक काफ़ी विकसित गांव था, लेकिन अगर गांव इतना विकसित था तो फिर क्या वजह रही होगी कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का अय्याज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव के एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह एक मुश्किल घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी गाँव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी गांव वालों आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई भी नहीं बस पाएगा। आज भी वहां की हालत वैसी ही है जैसी उस रात थी जब लोग उसे छोड़कर गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप का असर आज भी वहां देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का ये तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहां गए तो ज़रूर थे लेकिन लौट कर कभी नहीं आए। उनका क्या हुआ, वो कहां गए, ये बात कोई नहीं जानता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पारा नॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में अपनी रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार उसने ऐसा महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पारा नॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि उनके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से वो ऐसी जगहों पर रहने वाले आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया, जहां कुछ आवाज़ें आईं तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। शनिवार 4 मई की रात्रि में जो टीम कुलधारा गई थी उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। हालांकि उन्होंने उन निशानों को मिटा दिया, बट फिर भी टीम के सदस्य जब कुलधारा गाँव से घूम कर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान फिर से दिखाई दिए। डाउनहिल ऑफ कुरसोंग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित कुरसोंग एक छोटा और बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है
जिसका स्थानीय नाम खरसंग है। यूं तो ये जगह अपनी कुदरती सौंदर्य और हसीन वादियों के लिए काफ़ी प्रचलित है, लेकिन इस जगह का एक दूसरा पहलू भी है। यहाँ स्थित डाउनहिल नाम के एक जगह के कारण इसे भारत के सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। डाउनहिल से जुड़ी कई भूतों और हत्याओं की कहानियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ के विक्टोरिया बॉयज स्कूल में एक दो नहीं बल्कि कई भूतों और आत्माओं का वास है। शायद इसी वजह से यहाँ हमेशा बच्चों के फुसफुसाने, उनके शोर, भागने, हंसने तथा रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। इसी स्कूल के ठीक पास एक जंगल भी है जहाँ बहुत सारी हत्याएं हुई है। इस जगह पर एक सर कटे बच्चे की कहानी काफ़ी प्रचलित है। स्थानीय लोगों की माने तो इस सर कटे बच्चों को कई बार देखा गया है। ये कभी स्कूल में नज़र आता है तो कभी सड़क के पास, कभी कभी तो जंगल की ओर भागता है और भागते भागते गायब हो जाता है। कई लोगों का ये तक कहना है कि जिसे ये बच्चा एक बार दिख जाता है उसे वो हर जगह दिखाई देने लगता है। उन लोगों को हर वक्त नकारात्मक शक्ति के आसपास होने की आभास होने लगती है और कई लोगों ने इस डर से आत्महत्या तक कर ली। जंगल से गुजरने वाले लोगों का ये कहना है कि वहाँ से गुजरते वक्त हमेशा किसी के पीछे चलने का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कोई उन्हें अपने पीछे से अपनी ओर पुकार रहा हो। हालांकि लोगों का कहना है कि वहाँ से गुजरते वक्त हमें उन एहसासों और आवाज़ों पर ध्यान ना देकर सीधा चलना है। कई लोग पीछे मुड़े और वो कभी भी उस जंगल से लौटकर वापस नहीं आए। ये जगह इतनी डरावनी क्यों है, ये तो आज तक एक रहस्य है और शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। तो दोस्तों, भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी रहस्यमय दुनिया के सफ़र को आज आप और हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सबको हमारी ये वीडियो काफ़ी रोमांचक लगी होगी। चूँकि ये हमारे चैनल की सिर्फ दूसरी वीडियो है तो हमारे लिए ये जानना अनिवार्य है कि आखिर आप में से कितने लोग भूत प्रेत में भरोसा रखते हैं और इन कहानियों में रुचि रखते हैं। तो अगर इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो हम जल्द ही इसी विषय पर वीडियो का अगला भाग भी लेकर आएंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव या कोई अन्य सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप हॉन्टेड ट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते इस चैनल पर हमारी दुनिया के कुछ रहस्यमयी और रोमांचक बातें लाते रहेंगे।